हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग काफी बढ़िया हैं और हमारी C++ की इस DSA सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं. सो आई एम संकेत सिंह एंड आई एम बैक विद अनदर लेक्चर ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीरीज. सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर. सो लास्ट कुछ लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोग रिकर्जन की जर्नी में काफी आगे बढ़ चुके हैं. हमने बेसिक्स देख लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख ली हैं और आज के इस लेक्चर में भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं. सो क्या कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, उसके ऊपर अभी बात करते हैं. बट वहां जाने से पहले मैं सबको एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा कि इन केस अगर अभी तक आपने PW स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है, सो डू चेक इट आउट. वहां पे आपको हर लेक्चर के लिए डेडिकेटेड असाइनमेंट्स और नोट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. ये सारे के सारे लेक्चर जो हम लोग C++ की इस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीरीज में कवर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज हैं, डू चेक इट आउट ऑन द PW स्किल्स वेबसाइट. साथ ही साथ अगर अभी तक कॉलेज वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. तो गाइस बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने रिकर्जन की बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में ना बात कर ली है. हमने देख लिया था कि रिकर्जन होता क्या है, कहाँ लगाना जरूरी है, कैसे लगाया जाता है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक फिबोनाची फैक्टोरियल के ऊपर बात करी और ये सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें. काफी सारे लेक्चर्स हम लोग फाइव लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुके हैं, राइट? एग्जैक्टली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, जहां पे हम लोगों ने इंक्रीजिंग सीक्वेंस में नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करा था, साथ ही साथ एक गिवन नंबर के लिए मल्टीपल्स प्रिंट किए थे एंड साथ ही साथ नेचुरल नंबर्स के सम को कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी ऑल्टरनेट साइन के साथ. इन प्रॉब्लम्स को हम लोग डील कर चुके हैं, राइट? आई होप कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम सब लोगों ने एक बारी खुद से जरूर कोड करी होगी एंड ड्राई रन करने की भी कोशिश करी होगी. इन केस अभी तक आप लोगों ने लेक्चर कोई भी रिकर्जन के बीच में मिस करे हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग पहले जाकर वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लें एंड देन ओनली कम बैक टू दिस सेशन, जहां पे हम लोग कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं. सो आज की चेकलिस्ट में अगेन हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स हैं. इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम लोग काफी इन डेप्थ डिस्कशन करके डिसाइफर करेंगे कि कैसे इवैल्यूएट करा जा सकता है, राइट? पहली प्रॉब्लम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के अराउंड रिवॉल्व आउट करने वाली है. सेकंड प्रॉब्लम होने वाली है हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के ऊपर एंड थर्ड प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग कई बार अपने इंटरव्यूज में, टेस्ट्स में, कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे इस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप लोग देखते होंगे. तो एक स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पे हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसमें से एक्चुअल प्रॉब्लम का क्रक्स कैलकुलेट करके लाएंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन और उसको कोड करने की भी कोशिश करेंगे. सो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. आई होप यू गाइज आर टू. दैट बिंग सेट, बिना किसी फर्दर डिले के अपने पहले क्वेश्चन पे हॉप ऑन करते हैं और देखते हैं कि वॉट द क्वेश्चन हैज टू ऑफर. तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के ऊपर अपना डिस्कशन. सो आपकी स्क्रीन पे हमारी पहली प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी. पढ़ते हैं प्रॉब्लम को, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को. प्रॉब्लम बहुत मुश्किल नहीं है बट अच्छे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड होने वाली है. गिवन टू नंबर्स एक्स एंड वाई. आपको दो नंबर्स गिवन होने वाले हैं, एक्स और वाई. फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग रिकर्शन. तो आपको एक्स और वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करके लाना है रिकर्जन का यूज करके, राइट? सो यू हैव, दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों ने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में GCD नाम से सुना होगा या फिर HCF नाम से सुना होगा, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? ऐसा कुछ, राइट? सो ये है हमारा एजेंडा, राइट? कि आपको दो नंबर्स एक्स और वाई गिवन होंगे और आपको उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है? कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं कि यार एक्स कॉमा वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10^6 होने वाली है, ठीक है? ओके, इनपुट वन कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 9 है और हमारे पास आउटपुट में आ रहा है 1, कैसे? अगर आप 4 और 9 का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, अगर आपकी फैक्टराइजेशन करोगे तो 4 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी देखते हैं. 4 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 into 2, 9 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 3 into 3. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मतलब इकलौता कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 2 into 2 into 1, 3 into 3 into 1, तो 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो 1 हमारे पास आंसर में भी आ रहा है. अगर आप 12 और 20 के बारे में बात करो, सो 2 into 2 into 3 is 12. 20 के ऊपर बात करें तो 2 into 2 into 5. यहां पर अगर आप कॉमन फैक्टर्स देखो
तो आपके पास 2 into 2 दैट इज 4, 4 हमारा कॉमन फैक्टर है एंड दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। 2 भी एक कॉमन फैक्टर है बट 4 उससे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या आप इसको कह सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा यहां पर आप वीडियो को पॉज कर दो, आप पॉज करने के बाद सोचो कि किसी भी अप्रोच से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार के लिए ऐसा भी सोच रहे, चलो रिकर्जन से नहीं करना है, लूप लगा के ही करना है, इटरेशन से ही सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि सब लोगों ने एक गुड थॉट दिया होगा, राइट। एंड बात करते हैं कि इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन हम लोग बिल्डअप कैसे कर सकते हैं। तो देखो यार, इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन ना एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक बहुत ही सिंपल लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। हम उस लॉजिक को देखेंगे, हम इस लॉजिक के प्रूफ को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इंट्यूटिवली तुम्हें रियलाइज होगा कि वो लॉजिक सही है, राइट। उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड उस लॉजिक या मैं कहूं स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग अपना सॉल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है कॉल्ड एज यूक्लिड्स एल्गोरिदम, राइट। हमारे पास एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है यूक्लिड्स एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या है, क्या इसके ऊपर बात करी जा सकती है, चलो देखते हैं। तो यूक्लिड का एल्गोरिदम ना कुछ पॉइंटर्स पे बेस्ड है। क्या पॉइंटर्स पे बेस्ड है? इफ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ लार्जर वन वी कैन रिड्यूस द लार्जर नंबर, राइट। बट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विल नॉट चेंज। ये एक फैक्ट है, ये एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जिसके बेसिस पे ये पूरा एल्गोरिथम टिका हुआ है कि अगर आपको दो नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट मान लो करना है और अगर आप लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, राइट, तो जीसीडी में कोई चेंज नहीं आता। जो आपके पास रिमेनिंग टू नंबर्स बचे उनके जीसीडी में कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं आपको कहता हूं कि यार मुझे जीसीडी कैलकुलेट करके ले आओ 54 और 72 का, इन दोनों नंबर्स का मुझे जीसीडी कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है, ओके। कैसे कर सकते हैं, मैं तुम्हें कहता हूं कि यार लेट्स अज्यूम कि जीसीडी ऑफ 54 एंड 72 इज कैपिटल जी, इन दोनों का जीसीडी अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ वैल्यू जी होगी, और इस फैक्ट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि यार जो भी 54 और 72 का जीसीडी होगा ना वही जीसीडी होगा किसका, 54, 72 - 54 का। कि यार अगर आपने छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया बड़े नंबर में से तो जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा उनका और उसके जीसीडी में कोई चेंज नहीं होगा, उसका और इसका जीसीडी इक्वल होगा इनके जीसीडी के बराबर, राइट। तो देखते हैं 72 - 54 किया हमने तो क्या आ गया 18। इसका मतलब जो भी जीसीडी 54 और 72 का है ना वही 54 और 18 का होगा, वही 54 और 18 का होगा, राइट। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 54 के लिए फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3 × 3 आई गेस, ठीक है, देख लेते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, लुक्स गुड टू मी। एंड 72 is 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ओके। सो इफ यू सी 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, 36 × 2 = 72, ओके। इफ यू कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आप यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो तो देखो क्या बन रहा है, ये 2 आ रहा है हमारे पास, ये एक 3 आ रहा है, ये एक 3 आ रहा है, सो बस ये कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, सो इन दोनों का जीसीडी क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। वहीं पे अगर आप 54 और 18 का जीसीडी निकालोगे तो इन दोनों का जीसीडी भी क्या है, 18 है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, राइट, जो दो आपको मेन नंबर्स गिवन थे उनका जो भी जीसीडी था वही सेम जीसीडी होगा किसका, अगर आप उसमें एक और नंबर इंट्रोड्यूस कर दो सच दैट द न्यू नंबर इज बिगर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर, राइट, इस तरीके से। अब आगे भी तुम ये चीज देख सकते हो, लेट्स से अब 54 और 18 का अगर तुम्हें जीसीडी निकालना है, 54 और 18 का जीसीडी पता है क्या होगा, वही होगा जो कि तुम्हारा होगा लेट्स से 18, 54 - 18 का जीसीडी। अब 54 - 18 कितना होगा,
चलो देख लेते हैं, राइट 54 माइनस 18 कितना होगा, इट्स 36, तो दिस इज इक्वल टू 18.36, राइट। तो जो भी इनका जीसीडी होगा वही हमारा आंसर होगा, और देखो 18 और 36 का भी जीसीडी 18 है। तो इस फैक्ट के ऊपर ना हमारा पूरा एल्गोरिदम बेस्ड है कि अगर हम लोग बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जीसीडी में कोई भी चेंज नहीं आता है। और ये सेम थ्योरी सब्ट्रैक्शन के अलावा एक और तरीके से वैलिड है, डिविजन के थ्रू, बाय डिविजन, सेम टू सेम थ्योरी डिविजन से भी वैलिड है। कि यार मान लो अगर आपको 72 और 54 का जीसीडी कैलकुलेट करके लाना है, तो 72 और 54 का जीसीडी अगर जी है वही जीसीडी होगा 54 कॉमा, अगर आप 72 और 54 को डिवाइड करो तो जो भी रिमाइंडर आता है उसके साथ अगर हम जीसीडी ले, मतलब 72 मॉडुलस 54, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसका अगर आप जीसीडी कैलकुलेट करोगे 54 के साथ, वो जीसीडी ये सेम टू सेम जी आएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो वन ही है, तुम्हारे पास 18 आ जाएगा, राइट, दिस इज 54.18। तो अब आपके पास जो भी जीसीडी आ रहा था 72.54 का, वही सेम जीसीडी आएगा 54.18 का, और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा टर्म्स के लिए प्रूव करने की कोशिश करो। और अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूं, तो अगर मुझे जीसीडी कैलकुलेट करना है किसी भी दो नंबर्स a, b का, कंसिडरिंग a इज ग्रेटर देन b, अगर मैं a को b से ग्रेटर देन कंसिडर करूं, तो इस जीसीडी की वैल्यू पता है क्या होगी, जीसीडी ऑफ a, b विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ b, a modulo b, एंड व्हाट इज दिस a modulo b, द रिमाइंडर, इसी के ऊपर हमने बात करी है, राइट। और यहां पे आप चाहो तो ये रिमाइंडर से कर सकते हो, या फिर आप सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो, आप ऐसे सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम दोनों तरीके से चलता है, एल्गोरिथम बस यही कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका आपको जीसीडी कैलकुलेट करके लाना है, उन दोनों नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी आपका जीसीडी चेंज नहीं होगा, या फिर अगर आप उनको डिवाइड करें और जो रिमाइंडर कैलकुलेट करके लाते हैं उसके साथ अगर बाकी नंबर्स का जीसीडी मैप करना चाहते हैं तो जीसीडी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो थ्योरी है इसके बेसिस पे पूरा का पूरा जीसीडी एल्गोरिथम बेस्ड है। और जीसीडी एल्गोरिथम टेक्निकली हम ये लिख सकते हैं, अगर मैं डिविजन वाले मेथोडोलॉजी से जाऊं, कि अगर मुझे ए और बी का जीसीडी कैलकुलेट करना है और ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका जीसीडी बराबर होगा जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलो बी। अब तुम सोचोगे इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपको पहले दो बड़े नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट करना था, अब आप नंबर को रिड्यूस कर चुके हो, 54.18 पे आ गए हो। अब 54.18 का जीसीडी क्या होगा, 18.54 mod 18 का जीसीडी, राइट, तो दिस विल बी इक्वल टू 54 mod 18, कैन आई से दैट। सो ऐसे करते करते आप नंबर्स को रिड्यूस करते हुए जा रहे हो, तो एट लास्ट आपके पास नंबर्स क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे, राइट। इस बेसिस पे हम लोग कुछ लॉजिक सोचने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, अब जो हमने फैक्ट देखा था इसको इंट्यूटिवली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट। थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल प्रूव रहेगा तो इस फैक्ट को कंक्रीटली समझना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। तो देखो मान लो कि आपको दो नंबर्स हैं a, b जिसका आपको जीसीडी कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है। अपने अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ यहां पे ध्यान दो, जो भी मैं प्रूव कर रहा हूं बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इंट्यूटिव है। अब मान लो कि a और b का डिवीजन कर देते हैं, किसी भी दो नंबर्स का आप डिवीजन कर दो, फॉर एग्जांपल 23 को डिवाइड कर दो आप 7 से, ठीक है। सो 7 3s are 21 एंड रिमाइंडर लेफ्ट इज 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 23 इज इक्वल्स टू 7 into 3 plus 2, दैट इज डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अगर मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूं, राइट, कैन आई से a कैन बी इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज द क्वेश्चन, आर इज द रिमाइंडर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार किसी भी डिवीजन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, r की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, राइट। तो किसी भी डिवीजन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि यार उसका जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के बराबर है, राइट। जैसे हमने यहां पे लिखा है 7 into 3 plus 2, इट इज इक्वल टू सेइंग कि b इंटू क्यू प्लस आर, a is equals to b into q plus r, considering a is greater than b। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन मैं a greater than b के लिए कर रहा हूं। अगर b की वैल्यू greater than a है तो वैल्यू स्वॉप करके भी आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि हमने a greater than b के लिए सॉल्व करा हुआ है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है कि a will be equal to bq plus r। अब
एक अजम्पशन लेते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज कैपिटल जी। लेट्स अज्यूम दिस, मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि मान लेते हैं, जैसे हम लोग बचपन में करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10 या लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे ही हम लोग मान के चल रहे हैं कि यार फाइनली जब मेरे पास जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी आएगा ना तो वो जी के बराबर होगा, किसी कैपिटल जी के बराबर होगा। और अभी जस्ट हमने देखा कि ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूं बी क्यू प्लस आर, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं ए माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू आर, कैन आई से दैट, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ए माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू आर, दोनों तरफ बी क्यू का सब्ट्रैक्शन दे दूं, अगर मैं दोनों तरफ बी क्यू का अगर मैं सब्ट्रैक्शन दे दूं तो ये काम बन जाएगा, ठीक लग रहा है, ओके। अब आप लोग एक बात बताओ, मैंने अभी जस्ट अज्यूम करा ना कि जी हमारा ए और बी का जीसीडी है, अगर जी हमारा ए और बी का जीसीडी है तो इसका मतलब जी ए और बी को कंप्लीटली डिवाइड भी करता होगा, थिंक अबाउट इट। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं 54 और 72 का, इनका जीसीडी क्या आएगा 18 आएगा, इनका जीसीडी 18 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं 18 को 54 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 18 को 72 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, इनमें डिवीजन दूंगा मैं अगर, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 54 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, 72 इज कंप्लीटली डिविजिबल बिकॉज 18 इज प्रेजेंट एज द कॉमन फैक्टर्स, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो भी नंबर जी होगा ए को भी पूरी तरह डिवाइड करेगा और बी को भी पूरी तरह डिवाइड करेगा, कैन आई से, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट जी कंप्लीटली डिवाइड्स ए एंड बी, है ना, ए और बी को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और ध्यान से देखने की बात क्या है, बी क्यू क्या है, बी क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ बी, बी क्यू हमारा बी का मल्टीपल है, अगर ये नंबर बी जी से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इस बी का कोई मल्टीपल भी तो जी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे 18, 72 और 54 का जीसीडी था, राइट, मतलब 18 कंप्लीटली डिवाइड 72, 18 72 को कंप्लीटली डिवाइड करता था, अगर 18 72 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो 72 इंटू 2 को भी तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कैन आई से दैट, सिंपल है साहब, क्योंकि 72 इंटू 2 बाय 18 ये प्रॉपरली कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, तो कंप्लीट डिविजन पॉसिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि यार अगर मेरे पास दो नंबर थे ए कॉमा बी, मैंने अज्यूम करा कि उनका जीसीडी है जी, और ये इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं ए माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू आर। अब मुझे पता है कि क्योंकि जी इज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी तो जी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, और अगर जी बी को डिवाइड करता है, अगर जी बी को डिवाइड करता है तो बी क्यू क्या है, बी का मल्टीपल है तो बी क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब कैन आई से ए माइनस बी क्यू इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय जी, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड हमारा जी से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इस आर के बराबर है, राइट, ये आर क्या है, सम टर्म ए माइनस सम टर्म बी क्यू, अगर लेफ्ट हैंड साइड जी से कंप्लीटली डिविजिबल है तो राइट हैंड साइड भी तो कंप्लीटली डिविजिबल होगी, एज सिंपल एज दैट। और इसी बेसिस पे हमारा सॉल्यूशन भी टिका है। एक एग्जांपल लेते हैं, 72 और 54, 54 वंस आर 54, राइट, सो दिस इज 8, दिस इज 1, तो कैन आई से 72 कैन बी रिटन एज 54 इंटू 1 प्लस 18, और जीसीडी क्या है, जीसीडी ऑफ 72, 54 क्या है, इनका जीसीडी होता है 18। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 72 माइनस 54 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 18, अब लेफ्ट हैंड साइड को तो 18 डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, देखो 72 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, 54 मल्टीपल इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, और आरएचएस में देख लो तुम्हारे पास जो भी नंबर है दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, दैट्स वाई वी से, तभी हमने ये ऑब्जर्वेशन ली थी कि अगर आप दो नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट करना चाहते हो तो अगर आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप ऐसा सिमिलर ऑब्जर्वेटरी प्रूफ लगा सकते हो, मैंने डिवीजन के लिए कर दिया है कि आप या तो सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर डिवाइड कर लो, डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो,
जीसीडी सेम रहता है। इसका मतलब जो भी हमारा जीसीडी होगा ए कॉमा बी के लिए, कंसिडरिंग ए इज ग्रेटर देन बी, वो जीसीडी बराबर होगा बी कॉमा ए मॉडुलो बी के लिए। कैन आई से दैट? ये हम लोग देखो दो बड़े नंबर से छोटे नंबर पे रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल लूं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, सो मैं कहता हूं जीसीडी ऑफ 32,18 इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ 18,32 mod 18, राइट? कैन आई से दैट? इस बेसिस पे हम लोग एक्चुअली जो मैं स्टेटमेंट आपको कह रहा था जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा यूक्लिड एल्गोरिदम बेस्ड है, वो स्टेटमेंट इसी टर्म पे बनी हुई है, राइट? सो आई होप प्रूफ आपको समझ में आ रहा है यूक्लिड एल्गोरिदम का। सेम तरीके से आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रूफ कर सकते हो। सो एक अच्छा टेक अवे असाइनमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए कि क्या आप इसी सिमिलर तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ प्रूफ कर सकते हैं क्या, राइट? ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, वो और भी ज्यादा आसान होने वाला है, राइट? बट हमारा मेन क्रक्स था इस पार्ट को ये समझने का कि यूक्लिड एल्गोरिदम जो भी ये कह रहा है एक्चुअली प्रूफ कैसे होती है। देखो मैथ्स में जब हमें प्रूफ समझ में आने लगता है ना, तो उस प्रूफ को करते टाइम बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, और साथ ही साथ मे बी कहीं ना कहीं वो प्रूफ भी कभी ना कभी काम आ जाए। सो ट्राई टू मेक श्योर जब भी हम कोई मैथमेटिकल एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, ट्राई टू गो डीपर इन टू द प्रूफ, ट्राई टू गो डीपर इन टू द ऑब्जर्वेशन कि यार ये हो कैसे रहा है। अगर मैंने ये तुम्हें कहा कि ठीक है आप दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो, जीसीडी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको समझने के दो तरीके। एक तो आप सीधा ऑब्जर्व कर लोगे, अच्छा सर ने कहा है तो सही होगा। एक है कि आप क्यूरियस वे में क्वेश्चन करो, आप गूगल पे ढूंढो कि कैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कई बार ऐसा होगा, अभी तो मैंने जैसे प्रूफ करा दिया, हो सकता है कई बार आप खुद से पढ़ रहे हो और वहां पे कोई स्टेटमेंट बनाई जाए, इट मेक्स सेंस कि आप उस टाइम के लिए उस स्टेटमेंट को सही मान के आगे बढ़ जाओ, बट कम बैक और देखो कि वो स्टेटमेंट सही कैसे है। कई बार हम लोग कई ऐसी चीजों को स्किप कर जाते हैं जो हमारे समझ में आ सकती है, बट हमें लगता है कि मे बी अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर जो भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम हम पढ़ रहे हैं उनका इंट्यूशन या फिर उनका मैथमेटिकल प्रूफ तो आपके पास जरूर होना चाहिए, राइट? सो आई होप कि ओवरऑल लॉजिक जो हमने यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रूफ करने के लिए यूज किया है आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट? अब हमें ये एल्गोरिदम पता है, हमें ऑब्जर्वेशन पता है, और अब हमें एक्चुअली ये देखना है कि कैसे मैं एक प्रोग्रामिंग लॉजिक फाउंड कर सकता हूं सो दैट आई कैन कैलकुलेट जीसीडी ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रिकर्जन। एक रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर्मेशन करना है, और टेक्निकली स्पीकिंग यहां पे आपको एक हिंट भी दिख रहा होगा, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट सी कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन कैसे बिल्डअप करेंगे। तो देखो यार, अब हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि अगर आपको किसी दो नंबर्स ए कॉमा बी का जीसीडी कैलकुलेट करना है कंसिडरिंग ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कैन बी रिटन एज जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलो बी। आप इनको इनके छोटे नंबर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए मॉडुलो बी, राइट? अब ये रिलेशन मुझे दिख रहा है, क्या आप यहां पे आपको कुछ रिकर्जन की इंट्यूशन नहीं आ रही है कि एक फंक्शन है आपके पास जीसीडी जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है ए कॉमा बी, और इसकी खुद की वैल्यू किसके बराबर है? जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलो बी। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हो विद अ डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप फंक्शन के अंदर दोबारा सेम फंक्शन कॉल कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट बदल रहे हो। आर्ग्यूमेंट बदलने से क्या हो रहा है, आप एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हो, आप एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, एंड टेक्निकली दिस इज योर रेकरेंस रिलेशन। मुझे तो ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी अगर आपको पुरानी मेरी सारी कही हुई बातें समझ में आ रही है, और ये सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे भी लिख सकते हो। सो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलो बी। ये स्टेटमेंट हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अगर आप एडवांस्ड एल्गोरिदम्स पढ़ने की खुद से कोशिश करते हो तो बाद में चल के बहुत सारे इसके ऊपर एप्लीकेशंस होते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम के बेसिस पे ना, काफी एप्लीकेशन होते हैं। इनवर्स मॉडुलो अरिथमेटिक होता है, एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स और एग्जिस्ट करते हैं, अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, बट इस स्टेटमेंट के बेसिस पे काफी सारी चीजें डिराइव होती हैं। सो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलो बी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये रिलेशन ऐसा दिख रहा है रिकर्सिव सा, तो आपको रिकर्जन से इंप्लीमेंट करना है, आइट्रेशन से भी हो सकता है। तो एक और होमवर्क मैं आपको अपनी तरफ से मैनुअली देना चाहूंगा, अभी तो हम लोग एक रिकर्सिव लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं, बट ट्राई करो कि क्या आप इसको आइट्रेटिवली भी लिख सकते हो, थिंक अबाउट इट, ठीक है? तो देखो हमने तो अपना रिकर्जन वाला लॉजिक लिख लिया। रिकर्जन लॉजिक में तीन चीजें होती थी, सेल्फ वर्क, रिकर्सिव अजम्पशन, बेस केस। यार यहां पे तो अजम्पशन सीधी ले लो कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, है ना? अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये फंक्शन
जीसीडी जो ये फंक्शन है वो बी कॉमा ए मॉडलो बी के लिए सही चलेगा। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि इफ आई विल कॉल जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडलो बी, इसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा, तो मेरा सेल्फ वर्क क्या होगा? कुछ भी नहीं, जो भी आंसर है वही इसका भी आंसर है। तो यहां तो टेक्निकली ज्यादा सेल्फ वर्क की जरूरत नहीं, तुम कह सकते हो बस क्या वन मल्टीप्लाई रखा है या फिर सीधा बस वैल्यू असाइन हो रखी है, राइट? सो दैट इज द केस। ऐसे आप इसका रिकर्सिव लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। यहां पे जीसीडी इस फंक्शन को आप अज्यूम कर लो, जो हम एफ फंक्शन लिखते थे ना, बहुत बार एफ फंक्शन लिखते थे, वो ये एफ फंक्शन हो गया। इसके दो आर्ग्यूमेंट है ए बी। अब आप सोचोगे आर्ग्यूमेंट कैसे मुझे पता लगे, मुझे कैसे पता लगा कि ए और बी पास करने, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हीं में चेंजेस होने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडल बी, नॉर्मल रिकर्सिव कॉल। तो आप अज्यूम कर लोगे कि ये रिकर्सिव कॉल बहुत ही सही तरीके से चलती है बी कॉमा ए मॉडल बी के लिए। एंड आपका सेल्फ वर्क क्या होगा, आप बस इस वैल्यू को रिटर्न करके असाइन कर दोगे। कौन सी चीज हमारी पेंडिंग है? सेल्फ वर्क हमने देख लिया है, रिकर्सिव अजम्पशन हमने देख लिया है, पेंडिंग है तो सिर्फ बेस केस। अब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ए कॉमा बी में बी हमेशा ए से छोटा रहेगा, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, राइट? नाउ अब क्या हो रहा होगा, जैसे आप यहां पे रिमाइंडर निकाल रहे हो, बार बार डिवीजन करते हो जा रहे हो, ये वैल्यू कभी जीरो पे रिड्यूस भी तो होगी। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बी की वैल्यू जीरो बन गई, तो आपका आंसर पता है क्या होगा, ए की उस टाइम कोई भी वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो मेरे को कैलकुलेट करना है, लेट से जीसीडी ऑफ 48,40, ठीक है? अब 48,40 का जीसीडी क्या होगा, जीसीडी ऑफ 40,48 mod 40, व्हाट इज 48 mod 40, इट इज 8, ठीक है? तो टेक्निकली हम इसको लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ 40,8। अब दोबारा सेम चीज को लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ 8,40 mod 8, 40 mod 8 क्या होता है, 0, 8 5s are 40, तो जो भी 8,0 का जीसीडी है वही इनका जीसीडी होगा। अब ये वैल्यू बी जीरो हो गई है, जैसे ही वैल्यू बी जीरो हो जाएगी इसका मतलब ए हमारा आंसर है, और तुम देख सकते हो 48 और 40 में 8 शुड बी द आंसर। तो जब भी बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब भी बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपका आंसर कहां पे पड़ा होगा, ए में पड़ा होगा, ए ही आपका आंसर होगा, राइट? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप यहां पे कोई फर्दर आई वुड से कॉमन लेने का प्रोसीजर नहीं कर सकते हो, या और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, और छोटी सा प्रॉब्लम में नहीं सॉल्व कर सकते हो। इससे छोटी सा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी जहां पे बी की वैल्यू जीरो हो गई है और ए की वैल्यू बची है। तो जो भी ए की वैल्यू बची है यहां पे, जो कि ए की वैल्यू बची 8, वही हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारे पास एक सिचुएशन बिल्डअप होकर आ जाएगी। इसी के बेसिस पे हमें लॉजिक कोड करना है, इसी का हमें लॉजिक लिखना है, और बहुत ही आसान है। तुम देख पा रहे हो यहां पे तुम्हारे सामने रेफरेंस रिलेशन है, ये तुम्हारे पास सिंपल सा बेस केस है, दैट्स इट, राइट? तो फटाफट से इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या कुछ नया सीख सकते हैं। बहुत ही आसान कोड होने वाले, बहुत ही सिंपल कोड होने वाला है। एक स्मॉल चीज का आपको ध्यान रखना है कि ए हमेशा बी से बड़ा हो। अगर बी ए से बड़ा हो गया तो मैं तो क्या करूंगा, इस जीसीडी फंक्शन में बी और ए को अदला बदली करके कॉल कर दूंगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो न्यू कैलकुलेट करना है, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट जस्ट स्टार्ट और देखते हैं इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन में कितना मजा आने वाला है। तो चलो यार इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट सेटअप कर दूंगा, राइट? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है? हमने बॉयलर प्लेट सेटअप कर लिया, यहां रिटर्न जीरो कर देते हैं। रिकर्सिव कोड हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग क्या करते थे, एक फंक्शन बनाते थे। अब इस फंक्शन से जीसीडी रिटर्न होने वाला है, एक जीसीडी वैल्यू प्रॉपर रिटर्न होगी, तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है मैं मान लेता हूं। सो इंट जीसीडी, ये दो पैरामीटर लेते हैं, एक कॉमा बी, राइट? इंट जीसीडी, एक पैरामीटर गया इंट ए, एक पैरामीटर गया इंट बी। सबसे पहले यार अगर गलती से भी ना बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो दोनों को स्वॉप कर दो, और फिर मतलब अदला बदली करके फिर आंसर कैलकुलेट करके लाओ कि यार इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन वॉट एवर इज द आंसर ऑफ जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए। जो भी भाई बी कॉमा ए का आंसर होगा वही यहां भी आंसर होगा, वही हमारे यहां भी आंसर होगा। इट जस्ट दैट कि अब क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है तो मॉडुलस डायरेक्टली करना का कोई पॉइंट नहीं है। अदरवाइज हमारा क्या आएगा, एक बेस केस आएगा कि यार अगर बी की वैल्यू जीरो है तो जीसीडी ए में पड़ा है, अदरवाइज हमेशा जीसीडी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए मॉड बी, राइट? एंड दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब हमने ये कंडीशन लिख ली कि बी हमेशा ए से छोटा होना चाहिए, तो इनकेस अगर बड़ा है तो स्वॉप करके कॉल कर देंगे, आप अदला बदली करके कॉल कर देंगे। उसके बाद अगर बी की वैल्यू जीरो है तो ये बेस केस था, ये हमारा बेस केस था, राइट? और साथ ही साथ अगर
बी की वैल्यू जीरो भी नहीं है, इसका मतलब और डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। तो ए कॉमा बी के जीसीडी की वैल्यू क्या हो जाती है, बी कॉमा ए मॉडुलो बी। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं यार। तो सी आउट करते हैं जीसीडी ऑफ 40, 48। देखो 8 आ रहा है आंसर, 8 आ रहा है आंसर, वेरी गुड, राइट। तो सब कुछ सही चल रहा है ना। और कितनी छोटी इंप्लीमेंटेशन से हमारा काम बन गया। अब अगर मैं इसको आपको डीबग करके दिखाना चाहूंगी एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां कर दो सी आउट एक्स, राइट। चलो डीबग करके दिखाते हैं। यहां मैंने डीबग पॉइंटर लगाया, राइट। चलो इस जीसीडी फंक्शन के अंदर जाते हैं। देखो एक और रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टैक कॉल हुई, राइट। ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 8। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है। जी हाँ, ग्रेटर देन ए है। तो हम जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए कॉल कर देंगे, राइट। और एक बारी हमने जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए कॉल कर दिया, इसका मतलब अब 48 की वैल्यू क्या हो गई है, ए 40 की वैल्यू हो गई, बी या बी की वैल्यू 40 हो गई है। अब हम उससे अगली लाइन में आएंगे, हम लोग इस वाले फंक्शन में है, राइट। इसको लाइन नंबर 5 पे छोड़ के गए थे, 6 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। क्या बी की वैल्यू जीरो है, नहीं भाई जी, बी की वैल्यू जीरो नहीं है। अब आप कॉल करोगे जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलो बी। अब 48 मॉडुलो 40 क्या होगा, 8 होगा। तो यहां देखो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगेन दोबारा बी कॉमा ए मॉडुलो बी। सो 8 कॉमा 40 मॉड 8, व्हाट इज 40 मॉड 8, इट्स जीरो। जैसे ही हमें जीरो आएगा, बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड वी विल रिटर्न, ओके, एंड 8 इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पे तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, राइट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि यार अगर आपको जीसीडी कैलकुलेट करके लाना है, दो नंबर्स आपको गिवन है, दोनों नंबर्स का जीसीडी बराबर होता है। अगर आप दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट डिप कर दें या फिर डिवाइड करके रिमाइंडर ले आए, तो जीसीडी में कोई भी चेंज नहीं होता है, राइट। सो आई होप कि ये ओवरऑल प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आई होगी कि कैसे जीसीडी निकाल रहे हैं, क्या इंट्यूशन सेटअप करा, क्या प्रूफ लिखा, और कोडिंग इंप्लीमेंटेशन तो आई बिलीव बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट। सो दैट वॉज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आई बिलीव सबको सब समझ में आया है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स है, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन, राइट। सो सेकेंड प्रॉब्लम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। प्रॉब्लम क्या कहती है कि गिवन अ नंबर एन, आपको एक नंबर एन गिवन होगा, प्रिंट इफ इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आपको ये प्रिंट करके लाना है कि क्या वो नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, राइट। आपको एक नंबर इनपुट गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 153, और आपको ये बताना है कि क्या वो नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। अब जितने भी बच्चों को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं पता है, उनके लिए मैं बता दूं कि एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर सच दैट इफ द सम ऑफ एवरी डिजिट इन दैट नंबर raised to the power total digits in that number is equal to that number. अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नंबर के ऊपर मैंने बोल दिया है स्टेटमेंट। तो क्या कहती है स्टेटमेंट, देखो अगर आपको मान लो एक नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 153, ठीक है, आपको ये डिटेक्ट करना है कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो, इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स हैं इसमें 3। तो अब हर डिजिट को इंडिविजुअली अलग अलग हर डिजिट को पावर रेस कर दो इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट। सो 1 raised to the power 3 प्लस 5 raised to the power 3 प्लस 3 raised to the power 3। अगर इस पूरे सम की वैल्यू ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो आपका गिवन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसका मतलब आपको एक नंबर गिवन होगा, हर इंडिविजुअल डिजिट की पावर रेस करो इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट। जैसे यहां पर नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो आपने 1 की इंडिविजुअल पावर रेस करी 3, 5 की इंडिविजुअल पावर रेस करी 3, 3 की इंडिविजुअल पावर रेस करी 3, इन तीनों पावर्स का सम करा, और अगर आपको ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाए ना, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको n की वैल्यू 153 गिवन है, तो आपका आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि 1 raised to the power 3 प्लस 5 raised to the power 3 प्लस 3 raised to the power 3 इज 1 raised to the power 3 इज 1, 5 raised to the power 3 इज 125, 3 raised to the power 3 इज 27, इसका सम 153 ही होता है, एंड हेंस 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप लोग अपनी ये वीडियो पॉज कर लें,
सोचो इसके बारे में कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एंड देन इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम के ऊपर थॉट दिया होगा। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस प्रॉब्लम को ना रिकर्जन से नहीं करना है सॉल्व, दो मिनट के लिए सोचो, रिकर्जन से सॉल्व नहीं करना है, आइट्रेशन से सॉल्व करना है, ठीक है? हमें इस प्रॉब्लम को आइट्रेशन से सॉल्व करना है, तब तो बहुत आसान नहीं है, बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम नहीं है। आपको नंबर गिवन है, मान लो 153, आप एक एक करके इसके सारे डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लो। सबसे पहले तो हमें पता करना है कि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो क्या मैं इसके सारे डिजिट्स एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर का कोई भी डिजिट? तो मान लो आपको लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो कोई भी नंबर है, अगर मैं उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करूं 10 के डिवीजन के बाद, तो मुझे उसका लास्ट डिजिट मिल जाता है। देखो अगर मैं करूंगा 153 मॉड 10, तो मुझे मिल जाएगा 3, तो मुझे लास्ट डिजिट मिल गया। और अब मुझे मान लो इस डिजिट को रिमूव करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करके डिजिट को रिमूव भी करना चाहता हूं। अगर डिजिट लास्ट डिजिट तुम्हें रिमूव करना है, तो तुम उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर नहीं, इस बार एक क्वेश्चन निकालो। तो जो हमारे पास C++ में फ्लोर वैल्यू आती है वो क्या इक्वल होगी, 15, लास्ट डिजिट एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक एक करके लास्ट डिजिट एलिमिनेट करते जाओ। क्यों? क्योंकि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। तो लास्ट डिजिट एक बार एलिमिनेट हुआ, दूसरा एलिमिनेट हुआ, तीसरा एलिमिनेट हुआ, तो तीन एलिमिनेशन के बाद नंबर 0 हो गया, तो 3 टोटल डिजिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई। अब दोबारा से इस नंबर पे आइट्रेट करो, दोबारा से इस नंबर को आइट्रेट करो, राइट, और हर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करो। डिजिट लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया 3, इसकी पावर कर दो 3 raised to the power 3। उसके बाद ये नंबर हटा दो, जैसे मान लो आपने क्या करा, 153 है, ठीक है, लास्ट डिजिट 3 है, तो आपके सम में आपने ऐड कर दिया 3 raised to the power 3, और फिर 3 रिमूव कर दिया, फिर सम में आपने ऐड कर दिया 5 raised to the power 3, फिर 5 रिमूव कर दिया, और फिर सम में आपने ऐड कर दिया 1 raised to the power 3। ऐसे इसका टोटल सम निकाल के आपको पता लग जाएगा अगर ये नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो आर्मस्ट्रांग नंबर है। अब देखो पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कई बारी फंक्शंस लिखे हैं, रिकर्सिव फंक्शंस भी लिखे हैं इनफैक्ट। तो पावर कैलकुलेट करना, ए रेस टू द पावर बी करना, तो देखो बहुत आसान है, इसमें फाइट नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे आप आइट्रेशन से सॉल्व कर सकते हो, राइट, अपना व्हाइल लूप लगा लो, फॉर लूप लगा लो, जब तक नंबर 0 नहीं हो रहा, एक एक करके डिजिट्स को एलिमिनेट करो, नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लो, फिर दोबारा अपना व्हाइल फॉर जो भी लूप लगाना है, एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करो, उसकी पावर रेस करो नंबर ऑफ डिजिट्स पे, और सम करते जाओ। इसको बहुत आसानी से आप लूप कर सकते हो, और जितनी आसानी से आप इसको लूप से सॉल्व कर सकते हो, क्या उतनी ही आसानी से आप इसको रिकर्जन से सॉल्व नहीं कर सकते? देखते हैं। तो आप लोग ना एक फंक्शन लिखो, लेट से कि मैं एक फंक्शन लिखता हूं f, राइट, इस फंक्शन में ना मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा। एक पैरामीटर में पास करूंगा n, जो कि मेरा करंट जो भी अवेलेबल नंबर है मेरे पास वो n आएगा, और एक नंबर में पास करूंगा d। सबसे पहले सोचते हैं कि ये d क्या है। सो हमारा d है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ओरिजिनल नंबर, राइट, कि ओरिजिनल नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे, जो नंबर आपको यूजर से इनपुट में मिला उस नंबर में कितने एक्चुअल टोटल डिजिट्स थे, ये बात आपको इस d से पता लग जाए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फंक्शन पता है क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा? अब d का मतलब आपको पता लग गया, n इज द करंट नंबर, n एक नंबर है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n raised to power d, राइट। ये फंक्शन क्या करेगा, अभी जो भी करंट वैल्यू ऑफ n है उसके हर सिंगल डिजिट पे पावर देगा d की, और उसको सम अप कर देगा। और d क्या है, जो ओरिजिनल नंबर आपको मिला था ना उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे, ये बात बताता है d। सो ये फंक्शन मैंने यहां पे लिख दिया है, राइट। तो टेक्निकली अब तुम सोचोगे इस फंक्शन से मैं करना क्या चाहता हूं, यार जब मैं ओरिजिनली इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, जब मैं अपने मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस n की जगह मैं अपना ओरिजिनल नंबर पास कर दूंगा जो यूजर दे रहा है, और उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं वो तो d को मैं पास कर ही दूंगा। तो मुझे ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, कि मेरा जो गिवन इनपुट नंबर है उसके सारे डिजिट्स को अगर मैं d पे पावर रेस करूं और सम अप कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाती है तो वो क्या होगा, आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। सो
इस फंक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं फिर आर्मस्ट्रांग नंबर निकालने के लिए। तो अब करना क्या है इस फंक्शन में, अब मैं मान के चलो आपको जैसे मान लो यहां पे गिवन था 153, राइट, ये आपका ओरिजिनल गिवन इनपुट नंबर था, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तीन डिजिट्स हैं, तीन डिजिट्स है हमारे पास, तो डी तो कैलकुलेट हो जाएगा, डी को तुम आइटरेटिवली अलग से कैलकुलेट कर लो, डी को तुम चाहो रिकर्सिवली भी कैलकुलेट कर लो, अगेन तुम्हें एक एक करके बस नंबर्स को एलिमिनेट करना है, जितने तुम एलिमिनेशन कर रहे हो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वो तुम अलग से कैलकुलेट कर लो। अब ये 153 मैं यहां पे पास करूंगा, 153.3 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स 153, तो ये अब फंक्शन क्या बताएगा कि 153 के इंडिविजुअल डिजिट्स को अगर मैं 3 पे पावर रेस करके सम अप कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी, राइट, तो 153 के इंडिविजुअल डिजिट्स की पावर रेस कर रहे हैं 3 तो क्या वैल्यू आएगी, इसको समझना है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मुझे तो नहीं पता, देखो ये फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो मैं तुम्हें पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार देखो मुझे नहीं पता कि सारे डिजिट्स का पावर का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट लेकिन मैं ना ये जरूर जानता हूं कि लास्ट डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एन मॉड 10 कर देंगे तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पे देखो लिखा भी हमने, एन मॉड 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट आ जाता है, तो भाई मैं लास्ट डिजिट निकाल सकता हूं और लास्ट डिजिट की पावर रेस कर सकता हूं, मतलब मैंने रिकर्जन में ऑलरेडी एक फंक्शन पढ़ा था पावर का ए कॉमा बी, जो कि क्या करता है ए रेस टू द पावर बी कैलकुलेट कर देता है, राइट, ये हमने ऑलरेडी रिकर्जन की पिछली क्लासेस में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, अगर आप लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पुरानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो रिकर्जन वाली C++ में क्लासेस हैं उसको जरूर देख लें। तो मेरे को ये पता है कि यार लास्ट डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट होता है और उस पर पावर कैसे लगाते हैं, ये काम करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, तो अगर कहीं से मुझे बचे हुए डिजिट्स के रिस्पेक्ट में ये पता लग जाए कि इन बचे हुए डिजिट्स की इंडिविजुअल पावर पे डी एंड टोटल का सम इसकी वैल्यू क्या है, मतलब मुझे पता लग जाए 1 रेस टू द पावर 3 प्लस 5 रेस टू द पावर 3 इसकी वैल्यू क्या है, अगर मुझे पता लग जाए तो मुझे 3 को एक्सट्रैक्ट करके 3 रेस टू द पावर 3 कैलकुलेट करना आता है, मैं इसमें 3 रेस टू द पावर 3 का एडिशन दे दूंगा, ये हो जाएगा मेरा सेल्फ वर्क, तो मैं कहता हूं ये जो रिमेनिंग नंबर्स है आप इनके लिए आंसर कैलकुलेट कर लो, इन रिमेनिंग नंबर्स के लिए आप आंसर कैलकुलेट कर लो, राइट, इसका मतलब आप कहीं से भी 1 रेस टू द पावर 3 प्लस 5 रेस टू द पावर 3, और ये 3 क्या है, ये ओरिजिनल गिवन 153 में कितने डिजिट्स थे वो है ना, ये आप कहीं से कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू आप कहीं से कैलकुलेट कर लो, मेरा अपना काम क्या होगा कि मैं 153 में से 3 एक्सट्रैक्ट करूंगा और 3 टू द पावर d कर दूंगा, ये मेरा अपना काम होगा, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि यार आप कहीं से भी ना जाके f ऑफ, अब बचे हुए डिजिट्स कैसे निकालते हैं, लास्ट डिजिट को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो बचे हुए डिजिट्स आ जाएंगे, तो लास्ट डिजिट को एलिमिनेट कैसे करेंगे हम लोग, बाय 10 कर देंगे, तो अगर मैं करूं n बाय 10 तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 153 बाय 10, 15 बचेगा कॉमा d, तो आप 15 के इंडिविजुअल डिजिट्स पे d की पावर रेस करके सम ले आओ, ये वैल्यू मैं अज्यूम कर लूंगा, ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा अजम्पशन है कि मैं इसे कैलकुलेट करके ले आऊंगा, मेरा सेल्फ वर्क क्या होगा कि यार आप जाओ पहले लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, n mod 10 करके उस पे पावर d कर देंगे कि लास्ट डिजिट टू द पावर d को इसमें मैं एडअप कर दूं, ये मेरा हो जाएगा सेल्फ वर्क, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं सेल्फ वर्क, और इस तरीके से हम लोग रिकर्जन की ये रेकरेंस बिल्ड कर सकते हैं, देखो मैंने क्या करा टोटली f ऑफ n कॉमा d, ये फंक्शन क्या करता है, अगर मैं कोई भी नंबर दूंगा ना उस नंबर पे इंडिविजुअल डिजिट्स पे पावर डी रेस कर देगा और उसको सम अप कर देगा, मतलब अगर मान लो मैंने इसको दिया 3 3 3 3 और डी की वैल्यू है 4, सो 3 रेस टू द पावर 4 प्लस 3 रेस टू द पावर 4 प्लस 3 रेस टू द पावर 4 प्लस 3 रेस टू द पावर 4 ये लाके दे देगा। अब यहां पे डी क्या है, जो ओरिजिनल हमें इस क्वेश्चन के लिए जो इनपुट नंबर मिल रहा था ना उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा, एन की वैल्यू चेंज होती रहे, डी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में है। तो अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करा जाए यार, तो सोचना पड़ेगा, तो मैंने क्या कहा कि यार आप एक काम करो, आप ना लास्ट डिजिट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ और जितने भी बचे हुए डिजिट्स हैं उनके इंडिविजुअल डिजिट्स पे डी की पावर करके सम ले आओ, लास्ट डिजिट को भूल जाओ, ये ले आओ। आपको कि क्यों भाई, ये लाके क्या होगा, ये लाके ये होगा कि देखो मेरे को बाकी डिजिट एक्सट्रैक्ट करना तो मुश्किल लगता है लेकिन लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है, कैसे, एन बाय 10 अगर कर दें तो लास्ट डिजिट आ जाती है, और लास्ट डिजिट अगर आ गई तो उस पर पावर करना तो और भी आसान है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो मैं पावर फंक्शन कॉल कर दूंगा
ए रेस्ट ए कॉमा बी, जो भी रिकर्सिव पावर फंक्शन हमने लिखा था। तो मैं कहता हूं आप बचे हुए डिजिट्स के लिए आंसर ले आओ, उस आंसर में मैं लास्ट डिजिट टू द पावर डी को ऐड कर दूंगा, एंड दैट्स इट। ये हमारी रेकरेंस रिलेशन हो जाएगी। कैन आई से दैट, ये पावर फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, काफी आसानी से हम लोग इस सॉल्यूशन को बिल्डअप कर पाएंगे और प्योर इंट्यूशन पे चल रहे हैं, क्योंकि एक बार ये वैल्यू पता लग गई कि जैसे 153 है तो 1 टू द पावर 3 प्लस 5 रेस टू द पावर 3 प्लस 3 रेस टू द पावर 3 इसकी वैल्यू क्या है। ये फंक्शन एफ अगर ये रिटर्न कर दे मेन फंक्शन में, मैं कंपेयर कर लूंगा कि ये जो फाइनल सम आ रहा है ये मेरे ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं है। वही तो होता है आर्मस्ट्रांग नंबर, दैट्स इट। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि ओरिजिनल नंबर जो हमें इनपुट में आ रहा था वो था 4162, तो यहां पे डी की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा एफ ऑफ 4162, 4। ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा एफ ऑफ 416, 4, फिर ये कॉल करेगा एफ ऑफ 41, 4, और फिर ये कॉल करेगा एफ ऑफ 4, 4, फाइनली ये कॉल करेगा एफ ऑफ 0, 4। ऐसे ही कॉल चलती जाएगी। चलो देखते हैं एफ ऑफ 0, 4। अरे यार अगर नंबर बचा ही नहीं, नंबर जीरो हो गया है, तो डिजिट की पावर पे कुछ रेज करेंगे तो कुछ होगा क्या? ये बन जाएगा बेस केस कि यार अगर एक बारी एन की वैल्यू जीरो पहुंच गई, एक बारी एन की वैल्यू जीरो पहुंच गई तो कोई डिजिट ही नहीं है, कोई डिजिट नहीं है तो कोई पावर नहीं है, जीरो का आंसर जीरो ही हो जाएगा। ये आंसर यहां पर रिटर्न क्या कर देगा, जीरो। इस आंसर में मैं क्या ऐड कर दूंगा, जीरो प्लस लास्ट डिजिट, व्हाट इज 4 mod 10, 4, लास्ट डिजिट रेज टू द पावर 4। सो इसमें मैं 4 रेज टू द पावर 4 प्लस 0 करके यहां रिटर्न कर दूंगा। यहां पे लास्ट डिजिट क्या है, 1। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 रेज टू द पावर 4 करके मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। यहां पे लास्ट डिजिट क्या है, 6। सो 6 रेज टू द पावर 4 प्लस पिछला रिस्पॉन्स क्या है, 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 रेज टू द पावर 4 करके मैं यहां रिटर्न कर दूंगा। फाइनली 2 रेज पावर 4 प्लस 6 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 रेज पावर 4 करके मैं फाइनल रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। देखो सही लग रहा है, एक एक करके हम लोग डिजिट रिमूव करते जा रहे हैं, डिजिट रिमूव करते जा रहे हैं। फाइनली जब 0 हुआ तो बेस केस हो गया, बेस केस से हम वापस आ जाएंगे। बेस केस क्या है कि अगर नंबर ही नहीं बचा तो कोई डिजिट नहीं है तो कोई पावर नहीं है, और वहां से हम लोग वापस आ गए। जब हम लोग वापस आएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स के पावर डी का सम पड़ा होगा, उसमें मैं लास्ट डिजिट की पावर डी ऐड कर दूंगा। दैट्स इट। तो अभी के लिए इसको रब कर देता हूं मैं। सो ये हो जाएगी हमारी रेकरेंस रिलेशन, और इस रेकरेंस रिलेशन को मैं एज इट इज कोड कर दूंगा, इसको मैं एज इट इज कोड कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। राइट, तो देखते हैं इसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसका कोडिंग सॉल्यूशन, क्योंकि रेकरेंस रिलेशन काफी आसान है। बेस केस बस इतना है कि अगर एन की वैल्यू जीरो पहुंच गई तो आंसर हमारा जीरो है। ये सिंपल हमारा बेस केस है। राइट, तो इसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और आई वुड सजेस्ट कि एक बारी मैं आपको कोड करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप सब लोग खुद से भी इसको कोड करने का जरूर ट्राई करें। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। बॉयलर प्लेट मैंने सेटअप कर लिया, रिटर्न जीरो। अब यहां पे मैं एक फंक्शन लिखूंगा एफ, इंट एफ। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक ओरिजिनल नंबर एन और एक नंबर डी। ये डी क्या है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं एन में, तो वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे मेरा यूजर मुझे एक वैल्यू देगा एन, ठीक है। इस एन की मैं नंबर ऑफ डिजिट्स ले आता हूं, सो लेट्स से इंट नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू जीरो डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एक टेम्प वेरिएबल बनाता हूं इज इक्वल्स टू एन, और मैं कहूंगा कि जब तक टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, आप टेम्प में से ना एक एक डिजिट रिमूव करते हुए चले जाओ। तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प बाय 10। एक एक डिजिट कैसे रिमूव कर सकते हैं, लास्ट डिजिट रिमूव करते हैं हर इटरेशन में, लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए बाय 10 कर देंगे, और जैसे जितने डिजिट रिमूव हुए उतने ही डिजिट्स हैं टोटल। सो नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस प्लस, इस सिंपल व्हाइल लूप से हमें नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा क्या कर रहे हैं। मान लो 153 गिवन है, तो 153 में से पहले 3 हटाया, फिर 5 हटाया, फिर 1 हटाया, ये कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, तो 3 डिजिट्स हैं। ओके, और यहां पे हम लोग फंक्शन कॉल कर देंगे एफ ऑफ एन कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स। राइट, इसका जो भी आउटपुट, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मैं कंपेयर कर लूंगा कि इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर एन, क्या ये जो सम आया है क्या वो एन के बराबर है। अगर एन के बराबर है तो हम लोग सी आउट कर देंगे यस,
अदरवाइज हम लोग सी आउट कर देंगे, नो। ठीक है, अब एफ फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एफ फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे पावर फंक्शन चाहिए। पावर हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, राइट। तो मैं पावर फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन लेकर आ जाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे अपना पावर फंक्शन पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको पावर फंक्शन रिकर्सिवली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये बात नहीं पता है, सो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग हमारे रिकर्जन की सीरीज को स्टार्ट से देखें, वहां पे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डील किया हुआ है, राइट। सो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो यहां पे हमने पावर फंक्शन को पेस्ट कर दिया है, राइट। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं, यहां पे नाम मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं पाव रिकर्सिव। ठीक है, तो जहां जहां पे कॉल हो रहा है वहां पे भी पाव रिकर्सिव, यहां पे एफ करके कॉल कर रहे हैं क्योंकि उस फाइल में हमने एफ करके लिखा था, नो प्रॉब्लम। ये पावर रिकर्सिव फंक्शन पहले से हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब अपना फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं जिसका बेस केस लिख देते हैं। अब ये फंक्शन हमारा जो ये एफ फंक्शन है, ये वाला जो एफ फंक्शन, ये क्या करता है, एन की इंडिविजुअल डिजिट्स को डी पे पावर रेज करता है और सम अप कर देता है। तो अगर एन की वैल्यू जीरो है तो सम क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है। जब कोई डिजिट ही नहीं है तो पावर रेस करके क्या होगा। अच्छा, उसके बाद हमारी रेफरेंस क्या थी, ये हमारी रेफरेंस है। मैं क्या वैल्यू रिटर्न कर दूंगा कि यार आप जाके लास्ट डिजिट के अलावा जितने भी डिजिट है उनकी पावर रेस कर दो डी से और सम करके ले आओ। मेरा सेल्फ वर्क क्या होगा कि मैं इसमें ऐड कर दूंगा पावर रिकर्सिव ऑफ एन मॉड 10 कॉमा डी, कि यार एन मॉड 10 जो लास्ट डिजिट है उसकी डी पे पावर रेस करूंगा और जो भी वो वैल्यू आ जाएगी उसको ऐड कर दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी माय वैल्यू, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिख दिया सिंपल, मैंने क्या कहा था आपको रिकर्जन में शुरू में, जो मैं कॉपी पेन पे लिख दूंगा एग्जैक्टली ये रिलेशन सेम टू सेम कोड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। रन करते हैं कोड को। एक एरर आ रही है हमारे पास, लेट अस सी। तो आई गेस नाम में कुछ दिक्कत है, आई गेस इट शुड बी अ गुड, ओके सही चल रहा है, नाम में कुछ दिक्कत थी। तो चलो वैल्यू डालते हैं 153। 153 के लिए आ रहा है, यस 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेट से 453। 453 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, तो आंसर आ रहा है नो। तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा कोड, और देखो कितनी आसानी से इंप्लीमेंटेशन हो गया। मैंने आपको यही कहा था ना, रिकर्जन की इंप्लीमेंटेशन ऐसे बहुत ज्यादा आसान तरीके से हो जाने वाली है। और अगर आप इसमें ड्राई रन करने की कोशिश करो, इसे आप ड्राई रन करना भी बहुत आसान हो जाएगा, राइट। लेट्स से अभी यहाँ पे मैं ना अभी के लिए यूजर इनपुट नहीं लेता हूँ, 153 सेट करके भेज देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से नहीं, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो तो ड्राई रन करते हैं, ठीक है, बहुत आसान होने वाला है ड्राई रन, कोई फाइट नहीं होने वाली है ना। देखो मेन फंक्शन में एफ फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे देखो f फंक्शन की कॉल हमने लगा दी है, n की वैल्यू 153, d की वैल्यू 3। क्या 153 जीरो है, नहीं है भाई। आगे चलते हैं, अब हम लोग f ऑफ n बाय 10 के लिए कॉल करेंगे और पावर रिकर्सिव ऑफ n मॉड 10 के लिए कॉल करेंगे। तो चलो अभी हम लोग n मॉड 10 क्या था, 3 रेशो टू द पावर 3 कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 रेशो टू पावर 3 हम मान के चलते हैं पावर रिकर्सिव फंक्शन सही से कैलकुलेट करेगा। यहां से हम बाहर आ जाते हैं और अब दोबारा f ऑफ n बाय 10 मॉड 10 के लिए चलेंगे, मतलब 3 रेशो टू पावर 3 आ गया, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 15.3 का जो f फंक्शन पे कॉल जाएगा। तो चलो चलते हैं। अब देखो तुमने f फंक्शन दोबारा कॉल किया है, देखो दूसरा f फंक्शन कॉल हो रहा है फॉर 15.3, 15 जीरो है, नहीं है। अब आप क्या करोगे, 5 रेशो टू पावर 3 कैलकुलेट करोगे। देखो पावर रिकर्सिव में आप आए हो 5 रेशो टू पावर 3 कैलकुलेट करने के लिए, ये मान के चलते हैं सही कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब हम कॉल करेंगे किसको, 15/10.3 के लिए। तो देखो 15/10.3 के लिए कॉल हुई, तो 1/1.3 के लिए कॉल हो रही है, क्या 10 के बराबर है, जी नहीं। आगे बढ़ते हैं, 1 रेशो टू पावर 3 कैलकुलेट करके सही तरीके से ले आएगा और हम लोग कहाँ जाएंगे, 1/10 हो गया 0, क्या n की वैल्यू 0 है, जी हाँ 0 है। तो ये बेस केस हिट हो गया, हम लोग वापस आ जाएंगे। देखो हम लोग वापस आ गए, अब यहाँ पे 1 रेशो टू पावर 3 की वैल्यू क्या है, 1 है प्लस 0, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 रेशो टू पावर 3 की वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे और 3 रेशो टू पावर 3 की वैल्यू में जो 15.3 का रिजल्ट था वो ऐड कर देंगे, एंड दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू देखोगे तो रिजल्ट की वैल्यू 153 है। बहुत ही सिंपल कोडिंग इंप्लीमेंटेशन, कोई भी ज़्यादा फाइट नहीं है, राइट। अब इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार इसको बाय हैंड एक बार ड्राई रन करके देखो, क्योंकि अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल में नॉर्मली आपकी रिकर्सिव कॉल भी है, साथ ही साथ आप एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो जो कि रिकर्सिव है, तो
यहाँ पे अगर आप पेन पेपर से इसको ट्राई करोगे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। अब क्योंकि हमने पावर रिकर्सिव ऑलरेडी डीबग किया हुआ है तो हम जानते हैं कोड सही चलेगा, ये सही तरीके से ए रेश टू द पावर बी कैलकुलेट करके लाएगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बारी खुद से भी इस फंक्शन को ड्राई रन करके देखें। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंट्यूशन समझ में आई होगी कि क्या हम लोग कहना चाहते हैं। और अब यहीं से हम लोग अपनी थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट दैट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन हमारी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, राइट। सो थर्ड प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग कई सारे कॉन्टेस्ट में, अपने इंटरव्यूज में, ऑनलाइन टेस्ट्स में जरूर देखोगे, जहां पे आपके पास ना एक स्टोरी से होती है। डायरेक्टली सीधा ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक एरे है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं और कुछ ऑपरेशंस कर दो, नहीं। आपके पास एक स्टोरी गिवन होती है, स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एजेंडा इन्वॉल्व होता है, एंड देन वी स्लोली मूव फॉरवर्ड। और फिर हम लोगों को फाइनली उस प्रॉब्लम का क्रक्स कैलकुलेट करके लाना होता है कि यार अच्छा इस टाइप का कुछ डेटा होगा और इस टाइप का कुछ सॉल्यूशन हमें बिल्डअप करके लाना है। तो चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देयर आर एन स्टोन्स नंबर्ड 1 to n। आपके पास एन स्टोन्स हैं जिनको आपने 1 से लेकर n तक नंबर कर दिया है। फॉर ईच आई इन द रेंज 1 to n, जो भी नंबर आई 1 से n की रेंज में आपने 1 टू n तक सारे स्टोन्स को नंबर किया है, सो फॉर ईच स्टोन आई, हाइट ऑफ द स्टोन आई इज एच आई। तो हर स्टोन की 1 से n तक जो भी स्टोन्स को आपने नंबर करा, हर स्टोन की आपको कुछ हाइट गिवन है, तो किसी आईथ स्टोन की हाइट है एच आई। देर इज अ फ्रॉग हु इज इनिशियली ऑन स्टोन 1। अब एक फ्रॉग है जो स्टोन 1 पे बैठा है। ही विल रिपीट द फॉलोइंग एक्शन सम नंबर ऑफ टाइम्स टू रीच द स्टोन n। अब फ्रॉग पहले स्टोन पे बैठा है, उसको लास्ट स्टोन पे जाना है, तो वो ये प्रोसेस कुछ बारी रिपीट करने की कोशिश करेगा। इफ द फ्रॉग इज करेंटली ऑन स्टोन आई, अगर फ्रॉग हमारा आईथ स्टोन पर है, जंप टू स्टोन आई प्लस 1, आप आई प्लस 1th स्टोन पे जंप कर जाओ, या फिर आप आई प्लस 2th स्टोन पे जंप कर जाओ, राइट। तो अगर आपके पास हमारा फ्रॉग है आईथ स्टोन पे, तो आप जंप कर जाओ आई प्लस 1th स्टोन पे या फिर आई प्लस 2th स्टोन पे, राइट। तो चलो देखते हैं, आपके पास कुछ स्टोन है मान लो यहां पे, है ना, ये आपका स्टोन नंबर 1, स्टोन नंबर 2, 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्टोन नंबर n। यहां पे आपका फ्रॉग बैठा है, यहां पे आपका फ्रॉग बैठा है फर्स्ट स्टोन पे, उसे nth स्टोन पे जाना है। अब आप किसी भी स्टोन पे अगर बैठे हो तो आपकी ऑपरेशन क्या हो सकती है, आप उस पर्टिकुलर स्टोन से या तो एक स्टोन का जंप लगा सकते हो या दो स्टोन का जंप लगा सकते हो, दैट्स इट। दो ही तरीके के जंप है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आईथ स्टोन पे बैठे हो तो जस्ट अगले स्टोन पे चले जाओ या अगले से अगले वाले स्टोन पे चले जाओ, मतलब दो का जंप लगा लो। हेयर अ कॉस्ट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एच आई माइनस एच जे। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, हमारे पास मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट का फंक्शन, मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये क्या मॉड वैल्यू टाइप से रहती है। तो अगर हमारे पास, हमने जंप लगाया किसी भी आईथ स्टोन से, दो ही जंप लगा सकते हैं या तो आई प्लस 1 या आई प्लस 2, तो किसी पे भी लगाया, मान लो किसी जे पे लगाया, जे की वैल्यू आई प्लस 1 हो सकती है, आई प्लस 2 हो सकती है, तो कॉस्ट इनकर्ड होगी एच आई माइनस एच जे, कि यहां की जो हाइट थी माइनस जहां पे भी जंप लगाया वहां की हाइट और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इतनी कॉस्ट आपको लग जाएगी एक जंप में। वेयर जे इज द स्टोन टू लैंड ऑन, जिस पे भी आप लैंड करते हो, तो लैंड दो पे कर सकते हो, आई से आई प्लस 1 पे कर सकते हो, आई प्लस 2 पे कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट इनकर्ड बिफोर द फ्रॉग रीचेस स्टोन एन। आपको मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट कैलकुलेट करके लानी है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट कैलकुलेट करके लानी है, सच दैट फ्रॉग हमारा पहले स्टोन से nth स्टोन पे चला जाए। अब देखो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपके पास कुछ स्टोन्स हैं, स्टोन को नंबर किया हुआ है, एक फ्रॉग है फर्स्ट स्टोन पे बैठा है, उसे nth स्टोन पे जाना है, एक स्टोन से वो दो ही स्टोन्स तक का, या तो आई प्लस 1th स्टोन या आई प्लस 2th स्टोन, ये दो ही तरह के जंप लगा सकता है। कॉस्ट मिनिमाइज करनी है क्योंकि हर जंप में कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो देखो बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, बट इससे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे बढ़िया आप एक बार एक एग्जाम्पल देखो, 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20। ये आपको क्या गिवन है, हाइट्स गिवन है सारे स्टोन्स की। ये स्टोन नंबर 1, स्टोन नंबर 2, स्टोन नंबर 3, स्टोन नंबर 4। अब मान लो आपका फ्रॉग स्टोन नंबर 1 पे बैठा है, तो देखते हैं कि कितने तरीके से आगे जा सकता है। एक तरीका तो क्या है कि आप फर्स्ट स्टोन से सेकंड स्टोन पे चले जाओ, सेकंड से थर्ड पे चले जाओ, थर्ड से फोर्थ पे चले, मतलब हमेशा आप एक ही स्टोन आगे का जंप लो, एक ही स्टोन आगे का जंप लो। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया, आप फर्स्ट स्टोन से थर्ड स्टोन पे चले जाओ, थर्ड से फोर्थ पे चले जाओ, है ना, कि आपने यहां से सीधा दो का जंप लगाया
और फिर यहां से तो एक ही का जंप लगा सकते हो, या फिर आप फर्स्ट स्टोन से सेकंड स्टोन चले जाओ और सेकंड से सीधा फोर्थ चले जाओ कि यार आपने यहां पे तो एक का जंप लगाया बट यहां से आपने ना इस बार दो का जंप लगा लिया। यही तीन तरीके हो सकते हैं। चलो देखते हैं इनमें कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, इसकी कॉस्ट निकालते हैं। अगर आपने स्टोन नंबर वन से स्टोन नंबर टू का जंप लगाया, ये आपकी पहली जंप थी, इसकी कॉस्ट क्या होगी? मॉडुलस ऑफ 10-30। व्हाट इज 10-30? 20, है ना, हम एब्सोल्यूट वैल्यू कर रहे हैं। उसके बाद आपने टू से थ्री का जंप लगाया, टू से थ्री का जंप लगाया तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30-40, दैट इज 10। और फिर आपने थ्री से फोर का जंप लगाया तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 40-20, दैट इज 20। ये वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई ये वैल्यू। अगर हमारा फ्रॉग इस तरीके से जंप करता है तो 50 की ओवरऑल कॉस्ट उसको इनकर करनी पड़ेगी, राइट? तो देखो हर बार हम लोग ये कर रहे हैं ना, किसी भी उससे एक का जंप ले रहे हैं या दो का, यहां पे सारे एक वाले ही जंप थे, बट हो सकता है कभी कभी दो का जंप भी हो जाए। जैसे यहां से सीधा मैंने दो का जंप लिया और फिर एक का जंप लिया, क्योंकि थर्ड से फोर्थ, फोर्थ लास्ट है, थर्ड से ऐसा नहीं है तुम फिफ्थ पे चले जाओ, फिफ्थ है ही नहीं, तो थर्ड से तो एक ही का जंप लगा सकते हैं। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, फर्स्ट से थर्ड का जब जंप लगा, फर्स्ट से थर्ड का जंप लगा तो कॉस्ट आएगी 10-40, एब्सोल्यूट ऑफ 10-40, दैट इज 30। प्लस जब आप थर्ड से फोर्थ का जंप लगा रहे हो तो वैल्यू आएगी 40-20, दैट इज 20। ओके, तो यहां पे आगे कॉस्ट 20, ये भी ओवरऑल कॉस्ट 50 आ रही है। ओके, फेयर इनफ, राइट? चलो देखते हैं। अब अगर आप लास्ट वे से जाओ कि आपने फर्स्ट से सेकंड की जंप लगाई, यहां पे कॉस्ट कितनी है? 10-30, 20 इज द कॉस्ट। तो यहां पे पहली कॉस्ट आ गई 20 पहली जंप की। अगला जंप सेकंड से फोर्थ का जंप लगाया, यहां पे कॉस्ट क्या है? 30-20, 30-20 क्या है? 10। तो यहां पे वैल्यू आ गई 30। तो तीनों तरीकों में से सबसे चीपेस्ट तरीका कौन सा है? ये वाला तरीका है, तो 30 मेरा आंसर आ जाएगा। 30 मेरा आंसर, देखो यहां पे देख लो, 10-30 वॉज 20, 30-40 वॉज 10, 40-20 वॉज 20, तो कॉस्ट आई 50। यहां पे 10-40 वॉज 30, 40-20 वॉज 20, कॉस्ट आई 50। यहां पे 10-30 वॉज 20 बट 30-20 वॉज 10, तो कॉस्ट आई 30। 30 हमारा सिंपल आंसर है। तो देखो प्रॉब्लम हम लोगों ने समझ लिया है, आई होप कि सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, एक बारी थोड़ा सीक बैक करो, दोबारा से क्वेश्चन समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार ये एग्जाम्पल खुद से सोचो कि और कोई तरीका सोच सकते हो क्या, राइट? क्योंकि हमेशा आप आई से आई प्लस वन या आई प्लस टू ही जा सकते हो, ऐसा नहीं कि पीछे चले गए, ऐसा पीछे तो जा नहीं सकते, आगे ही जा सकते हैं, तरीके यही होंगे। एक बार खुद से पेन पेपर पे कॉपी पेन उठाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट? अब हमें इसका सॉल्यूशन बिल्डअप करना है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप वीडियो को दोबारा पॉज कर लो और सोचो कि क्या करा जा सकता है। अगर सब लोगों ने एक फेयर थॉट दिया है तो आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, राइट? देखो यार, आप हमेशा ना आईथ स्टोन से आई प्लस वन एथ स्टोन या आई प्लस टू एथ स्टोन ही जा सकते हो, यही ऑपरेशन आपके पास अवेलेबल है, राइट? तो मेरा फ्रॉग का है, मेरा फ्रॉग तो इनिशियली फर्स्ट स्टोन पे बैठा है। यार अब बहुत सारे स्टोन हो सकते हैं ना, 100-200 हज़ार स्टोन्स हैं। अब पहले से हज़ार के स्टोन पे पहुंचना है, कैसे पता लगेगा मिनिमम कॉस्ट क्या है? हमें तो मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे बैठ के, फर्स्ट स्टोन पे बैठ के तो आप खाली सेकंड स्टोन और थर्ड स्टोन तक की कॉस्ट ही देख सकते हो। मतलब अगर मैं फर्स्ट स्टोन पे बैठा हूँ, मैं बस ये देख सकता हूँ कि भाई मेरे सेकंड स्टोन तक जाने की कॉस्ट क्या है और थर्ड स्टोन तक जाने की कॉस्ट क्या है। आगे की कॉस्ट मुझे क्या पता, क्योंकि आगे की कॉस्ट डिपेंड करेगी ना कि मैंने यहाँ पे सेकंड का जंप लगाया और फिर आगे क्या जंप लगाया, तो उस पर डिपेंड करेगा। सिंपल बात है ना। देखो आपको अगर मैं यहाँ बैठा दूँ फर्स्ट स्टोन पे, आप ही को बैठा दूँ मैं और आपसे कहूँ कि आपके पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही हैं, तो आप क्या कहोगे? यार फर्स्ट स्टोन से मैं जा तो सेकंड या थर्ड भी सकता हूँ, उनकी कॉस्ट तो मैं निकाल लूंगा, पर आगे का क्या? आगे का तो पता ही नहीं लगेगा। इसी बेसिस पे हम लोग अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे। मैं आपको कहता हूँ यार, हमें नहीं पता कि फर्स्ट से एंड तक जाने की क्या कॉस्ट है ना, बट मैं ये जरूर जानता हूँ आप फर्स्ट से या तो सेकंड जाओगे या थर्ड जाओगे, दो ही चॉइसेस हैं। वन से आगे बढ़ने की तो दो ही चॉइसेस हैं, फिर उन चॉइसेस से और चॉइसेस हैं। मतलब वन से या तो टू जा सकते हो या वन से थ्री जा सकते हो। अब टू से थ्री भी जा सकते थे, टू से सीधा फोर भी जा सकते थे, राइट? तो चॉइसेस यहां से बढ़ने लगती हैं कि आप फर्स्ट स्टोन से सेकंड जा सकते थे या थर्ड जा सकते थे। थर्ड से तो फोर्थ ही जा सकते हो, बट सेकंड से थर्ड भी जा सकते हो और फोर्थ भी जा सकते हो। तो चॉइसेस तो इसके नीचे बढ़ने लग जाती है, बट ये वाली चॉइसेस, पहले लेवल की चॉइसेस तो मुझे पता है। तो यार मैं कहूंगा कि यार मेरे को कैलकुलेट करना है वन से एन तक की मिनिमम कॉस्ट। मैं खुद कैलकुलेट आसानी से, तो बड़ी मतलब सबसे आसान तरीके से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं,
कि भाई क्या कॉस्ट लगेगी 1 से 2 जाने में या 1 से 3 जाने में, मैं बस वही कैलकुलेट कर सकता हूँ। कोई मुझे ये बता दे कि अगर मैं सेकेंड स्टोन से nth स्टोन तक की मिनिमम कॉस्ट लेना चाहूँ तो वो क्या होगी, और थर्ड स्टोन से nth स्टोन तक की मिनिमम कॉस्ट लेना चाहूँ तो वो क्या होगी। अगर मुझे ये दोनों मिनिमम कॉस्ट पता लग जाए तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम कहोगे सर क्या फ़ायदा है इसका। देखो, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि सेकेंड स्टोन से फोर्थ स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, मान लो वो मिनिमम कॉस्ट है x, लिख देता हूँ यहाँ, सेकेंड स्टोन से फोर्थ स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट है x, तुम्हें पता है कि तुम फर्स्ट स्टोन से सेकेंड स्टोन तक जाओगे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो आएगी 10-30। और ये x तुम्हें कोई कैलकुलेट करके दे दे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना, मतलब अभी तो सेकेंड से फोर्थ ही जा रहे हैं, सेकेंड से 1000 तक जाना होता तो हमें नहीं पता था, कोई मैं सेकंड से nth स्टोन तक की कॉस्ट दे दे x, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं फर्स्ट से n जाना चाहता था सच दैट मैंने फर्स्ट से सेकंड का जंप लगाया थर्ड का जंप नहीं लगाया, दो चॉइसेस है ना, सेकंड का जंप लगा सकते हो या थर्ड का जंप लगा सकते हो, सेकंड का या थर्ड का, तो मैंने ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला पाथ चूज नहीं किया। अगर मैं इस वाले पाथ की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहूं कि 1 से 2 जाओ और फिर 2 से कुछ किसी तरीके से n जाओ, किसी मिनिमम तरीके से n जाओ, उसकी कॉस्ट तो यही होगी ना, दिस वैल्यू प्लस एक्स। साथ ही साथ कोई मुझे बता दे कि यार थर्ड स्टोन से nth स्टोन तक जाने की अगर मिनिमम कॉस्ट है y और उसमें मैं ऐड कर दूं फर्स्ट स्टोन से थर्ड स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट जो कि है क्या 10-40, तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर मैं फर्स्ट स्टोन से nth स्टोन तक जाना चाहता था और मैंने ये वाला पाथ चूज किया, ये चूज नहीं किया, ये वाला पाथ मैंने चूज किया कि मैं फर्स्ट से थर्ड का जंप लगा रहा हूं तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो क्या ना इसे मेरे को सारे पॉसिबल तरीके पता लग जाएंगे। रिपीट करता हूं मैं, देखो मैंने आपको कहा सिंपल भाषा में, मान लो 100 स्टोन होते तो कितना मुश्किल है देखना कि फर्स्ट स्टोन से nth स्टोन तक कैसे जाओगे। ये बात पक्की है तुम फर्स्ट स्टोन से बैठे बैठे अपने सेकंड स्टोन तक जाने का जंप की कॉस्ट और थर्ड स्टोन पे जाने की जंप की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, मगर ठीक है ये कॉस्ट क्या होगी h1-h2 और h1-h3, ये कॉस्ट तो बैठे बैठे कैलकुलेट हो जाएगी। बट अब 2 से आगे क्या, मान लो 2 पे गए, दो चॉइस थी 2a3 की, मान लो 2 पे गए, अब 2 से आगे का क्या, 2 से आगे की वैल्यू कैसे पता लगेगी। मैं मान के चलता हूं कोई मुझे वैल्यू दे देगा, मैं कहता हूं कि 2 से nth तक जाने की बेस्ट मिनिमम कॉस्ट वैल्यू कोई मुझे दे देगा, ये वैल्यू x कहीं से भी लाके कोई दे देगा, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं 1 से n जाना चाहता हूं वाया 2 कि भाई मैं पहले 1 से 2 गया और फिर 2 से किसी तरह से बेस्ट तरीके से n गया तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, दिस प्लस एक्स। और मेरे को कोई ये लाके दे दे कि यार थर्ड स्टोन से nth स्टोन तक जाने की बेस्ट मिनिमम चीपेस्ट कॉस्ट क्या है y, ये कोई मुझे लाके दे दे और इस वाई में मैं ये ऐड कर दूं कि यार 1 से 3 तक जाने की कॉस्ट क्या थी, तो मुझे पता लग जाएगा कि 1 से nth स्टोन तक जाने की कॉस्ट क्या है अगर मैं वाया 3 जाऊं, मतलब पहला जंप में 3 का लगाऊं, तो 3 के आगे की बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आपको पता है, 2 से आगे की बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू पता है, आप अपना काम यहां पे कर दोगे, तो क्या कुछ रिकर्जन की फील नहीं आ रही है। तो मैं कहता हूं आप एक फंक्शन लिखो एफ, ठीक है, इस फंक्शन में आप क्या क्या पास करोगे, आप अपने ना स्टोन्स की एरे पास कर दो, आप अपने स्टोन्स की एरे पास कर दो, उस एरे की लेंथ पास कर दो, मतलब स्टोन्स की एरे में उसकी हाइट पड़ी है तो एच एरे लिख देते हैं, एच पास कर दो, एच हमारी क्या है स्टोन्स हाइट एरे, ठीक है, और उसकी लेंथ पास कर दो और साथ ही साथ एक वैल्यू पास कर दो आई। अब जितने भी एरे बेस्ड रिकर्जन वाले क्वेश्चन हमने करे थे, मैंने क्या बताया था कि हम एक आई वैल्यू रख लेते हैं ताकि हम लोग एरे पे अगर इटरेट करना है, उसके किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आई रख सकते हैं। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम कॉस्ट टू रीच nth स्टोन फ्रॉम ith स्टोन, है ना। मान लो ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है कि किसी भी ith स्टोन से, किसी भी ith स्टोन से nth स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो मैं कहता हूं यार ith स्टोन से तो दो ही चॉइसेस है, मान लो i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू शुरू में 1 होगी, तो दो ही चॉइसेस है, क्या दो चॉइसेस है कि यार आप i से i+1 चले जाओ और i+1 से n जाओ, तो ये फंक्शन कॉल क्या करेगी, अगर h, n, i एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन है
जो आई एच स्टोन से एन एच स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट देता है, तो एच कॉमा एन कॉमा आई प्लस वन क्या करेगा? आई प्लस वन से एन एच स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट देखेगा। मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये फंक्शन सही चलता है, तो ये फंक्शन मुझे क्या बता देगा कि आई प्लस वन एथ स्टोन से एन एच स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है। अच्छा जी, अगर ये बात पता है तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच आई माइनस एच आई प्लस वन, क्योंकि आई से आई प्लस वन जाने की ये कॉस्ट होती है। साथ ही साथ मैं कैलकुलेट करके ले आऊं एच कॉमा एन कॉमा आई प्लस टू। अगर एच कॉमा एन कॉमा आई ये बताता है कि आई एथ स्टोन से एन एच स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो एच कॉमा एन कॉमा आई प्लस टू क्या बताएगा कि आई प्लस टू एच स्टोन से एन एच स्टोन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं इसमें ऐड क्या कर दूंगा, एच आई माइनस एच आई प्लस टू। तो तुम फर्स्ट स्टोन के रिस्पेक्ट में देखो, फर्स्ट स्टोन के रिस्पेक्ट में ये कॉल क्या होगी, एफ ऑफ एच कॉमा एन कॉमा वन, कि यार आप फर्स्ट स्टोन से एन एच स्टोन तक जाना चाहते हो, राइट? उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है? तो आप फर्स्ट स्टोन से सेकेंड स्टोन जा सकते हो या थर्ड स्टोन जा सकते हो। तो आप कैलकुलेट करके ले आओ कि सेकेंड से एन जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, लेट से सम एक्स, थर्ड से एन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, लेट से सम वाई। इस एक्स में मैं ये वैल्यू ऐड कर दूं और इस वाई में मैं ये वैल्यू ऐड कर दूं, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी कि अगर मैं फर्स्ट स्टोन से एन एच स्टोन जाता वाया टू तो क्या कॉस्ट आती, और ये क्या बन जाएगी कि अगर मैं फर्स्ट स्टोन से एन एच स्टोन जाता वाया थ्री तो क्या कॉस्ट आएगी। इन दोनों पाथ में से जो भी मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा, दैट्स इट। बस ये करना है, तो सोचा मैंने, बस सोचा और लिख दिया, राइट? देखो भाई, आप क्या कहोगे कि यार मैं नहीं जानता कि फर्स्ट से एनएच स्टोन तक कैसे जाया जाता है, मैं जानता हूं कि फर्स्ट से सेकंड स्टोन तक कैसे जाते हैं और थर्ड स्टोन तक कैसे जाते हैं। तो यार आप ना फर्स्ट से सेकंड जाने की और देन सेकंड से मिनिमम जाने की कॉस्ट ले आओ, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड जाने की तो एक ही कॉस्ट है एच वन माइनस एच टू, और सेकंड से मिनिमम जाने की हो सकता है, देखो मल्टीपल कॉस्ट हो सकती है, तो इसका मिनिमम कॉस्ट ले आओ, मैं उसमें फर्स्ट से सेकंड की कॉस्ट ऐड कर दूंगा। वो मुझे क्या बताएगा कि भाई मैं फर्स्ट से अगर एन जाता, क्योंकि देखो अब ये थ्री फोर पे जाएगा ना, अगर मैं फर्स्ट से एन जाता वाया टू तो मिनिमम कॉस्ट क्या आती, सिमिलरली फर्स्ट से एन जाता वाया थ्री तो मिनिमम कॉस्ट क्या आती। इन दोनों में से जो भी सबसे छोटा होगा वही मेरा आंसर होगा, तो इन दोनों का मैं मिनिमम कैलकुलेट कर लूंगा एंड दैट्स इट। बेस केस, बेस केस क्या लिखेंगे? देखो बेस केस सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर क्रॉस करने वाले हो, मतलब आप क्रॉस आउट कर जाओगे कि यार आप आगे की तरफ जंप लगा रहे हो, है ना, और आगे कोई स्टोन ही नहीं है, आगे कोई स्टोन ही नहीं है तो क्या करोगे, कोई कॉस्ट आएगी क्या? तो कोई मिनिमम कॉस्ट आएगी नहीं, है ना। तो मैं कहता हूं कि अगर आई की वैल्यू लास्ट स्टोन पे पहुंच गई है तो लास्ट स्टोन से आगे तो जाना ही नहीं है, वहां से तो मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, है ना। लास्ट स्टोन से लास्ट स्टोन पे जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, जीरो है। और अगर सेकंड लास्ट स्टोन है, आई हमारा सेकंड लास्ट स्टोन है, तो सेकंड लास्ट स्टोन से आप एक ही कॉल लगा सकते हो आई प्लस वन की, आप आई प्लस टू की कॉल नहीं लगा सकते। तो जो भी आई प्लस वन तक जाने की मिनिमम कॉल, मतलब इन दोनों में से आप बस ये कॉल लगाओगे, ये कॉल लगाओगे मत, दैट्स इट, दैट्स इट। चलो कोड करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल में हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग दी हुई ना, वन टू एन, तो हम इसको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से कोड कर सकते हैं, क्योंकि जो वन टू एन के लिए है वही जीरो टू एन माइनस वन के लिए है। तो चलो कोड करते हैं, फिर और एनालिसिस करेंगे। तो मैं अपना बॉयलर प्लेट रेडी कर देता हूं, और मैं यहां पे एक फंक्शन लिखता हूं एफ। ये फंक्शन क्या लेगा, हमारी हाइट्स की एरे लेगा int star h, उस एरे की लेंथ लेगा और एक वैल्यू लेगा i, ठीक है। सबसे पहले बेस केस, सबसे पहले बेस केस, यार अगर मैं लास्ट स्टोन पे हूं, लास्ट स्टोन कौसा होगा, n माइनस वन स्टोन, मतलब जीरो से n माइनस वन देख रहे हैं, वन टू n की जगह जीरो से n माइनस वन देख रहे हैं, तो अगर i की वैल्यू n माइनस वन हो गई तो रिटर्न जीरो, कोई जंप की कॉस्ट नहीं है। और i की वैल्यू अगर n माइनस टू हो गई तो रिटर्न एफ ऑफ एच कॉमा एन कॉमा आई प्लस वन, कि आप एक ही का जंप लगा सकते हो, आप वो पर्टिकुलर जंप लगाओ। उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, एब्सोल्यूट ऑफ एच ऑफ आई माइनस एच ऑफ आई प्लस वन, ये हमारी अभी वाली जंप की कॉस्ट हो जाएगी, कैन आई से दैट।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिकर्जन में लिख दूंगा, क्या होगा आंसर, रिटर्न मिनिमम ऑफ, दो फंक्शन कॉल्स है, पहली फंक्शन कॉल क्या है, एफ ऑफ एच कॉमा एन कॉमा आई प्लस वन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच ऑफ आई माइनस एच ऑफ आई प्लस वन। ये हमारी कौन सी वाली जंप है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारी i से i प्लस वन एथ वाली जंप, कि अगर मैं i से n nth स्टोन जाना चाहता हूं वाया i प्लस वन तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, और मैं i से nth जाना चाहता हूं वाया i प्लस टू तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, एच आई माइनस एच ऑफ i प्लस टू। तो ये हमने एग्जैक्ट रेकरेंस लिख दी है हमारी, देखो ये पहली कॉल हमने कर दी है कि जब हम लोग i से i प्लस वन की जंप ले रहे हैं, और दूसरी कॉल हमने कर दी है जब हम i से i प्लस टू की जंप ले रहे हैं, दोनों की दोनों कॉल हमने डायरेक्टली लिख दी है। यहां पे हमने कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया एब्सोल्यूट फंक्शन से, जो एच आई माइनस एच आई प्लस वन की कॉस्ट है और एच आई माइनस एच आई प्लस टू की कॉस्ट है। चलो टेस्ट करते हैं फंक्शन को, एक एरे बनाते हैं, तो एरे हम लोग रख लेते हैं 10, 30, 40, 20, एन की वैल्यू हो गई 4, और यहां पे हम लोग सी आउट कर देंगे एफ ऑफ ए आर आर राइट कॉमा एन कॉमा 0, क्योंकि हमें 0th इंडेक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। चलो ट्राई करते हैं, कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है सही कॉस्ट आ रही है 30। एक और टेस्ट केस लेते हैं जहां पे सारे स्टोन्स की हाइट सेम है राइट, 2 कर लेते हैं, अब रन करते हैं इस फंक्शन को, आंसर आना चाहिए 0, 0 आ रहा है आंसर, सही लग रहा है। तो देखो कितने आसानी से हम लोगों ने जो रेकरेंस हमने नोट्स में लिखी एग्जैक्टली वही रेकरेंस हमने यूज कर ली है, बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, और यही आपको हमेशा इंट्यूटिवली करना है। हमेशा आप ऐसे ड्राई रन की तरफ नहीं जा सकते, हम लोग इसका ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे, बट हमेशा ऐसे ड्राई रन इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन टू मूव फॉरवर्ड। व्हाई? क्योंकि जब आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको 15 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसी इंटरव्यू सिचुएशन में आप बैठे हो, तब आपको इंट्यूटिवली रिकर्जन का जो ये एग्जैक्ट क्रंच है कि यार आपको इंट्यूटिवली सोचना है कि क्या आपका सेल्फ वर्क होगा, क्या आपका रिकर्सिव इंट्यूशन होगा, और उसके बेसिस पे आप रिकरेंस रिलेशन डिराइव कर रहे हो, यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी, यही चीज ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है राइट। सो आई होप कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सब लोगों को समझ में आया होगा। एक छोटा सा ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली वीएस कोड के थ्रू, एंड देन वी विल सी व्हाट कैन बी डन राइट। सो हम लोग इसको डीबग करना स्टार्ट करते थे, यहां पे हमने एक डीबग पॉइंटर लगा दिया है राइट। टेस्ट केस में पुराने वाला ले लेता हूं राइट, ये वाला टेस्ट केस पे चलते हैं राइट। मैं तो आपको वीएस कोड पे ड्राई रन करके दिखाई रहा हूं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग खुद भी एक बार पेन और पेपर ले और पेन और पेपर पे इसको खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करें, क्योंकि रेकरेंस हमने काफी आसानी से लिख दी है। एक बार आप खुद से पेन एंड पेपर पे ड्राई रन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ही दी है राइट। सो चलो डीबगिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एच एरे है राइट, अभी हमने बेस इंडेक्स का पॉइंटर पास किया हुआ है राइट, आई गेस पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, हम 0th इंडेक्स पे बैठे हैं। क्या 0 एन माइनस 1 के बराबर है, जी नहीं। क्या 0 एन माइनस 2 के बराबर है, जी नहीं। तो हम दो कॉल्स करने वाले हैं, देखो हम दो कॉल्स करेंगे, पहली कॉल करते हैं ठीक है। पहली कॉल हमने करी आई प्लस 1 0 से फर्स्ट के लिए, कि आप फर्स्ट से एन तक का सम ले आओ। देखो यहां पे कॉल गई है एच कॉमा एन कॉमा 1 के लिए, कि यार फर्स्ट से एन तक का मिनिमम कॉस्ट ले आओ। क्या 1 एन माइनस 1 है, जी नहीं। क्या 1 एन माइनस 2 है, जी नहीं। तो आप दोबारा कॉल करोगे, 1 से कहां जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, तो सबसे पहले 2 पे जाएंगे, 2 पे चलते हैं। देखो 2 पे आ गए, क्या 2 एन माइनस 1 के बराबर है, जी नहीं। पर क्या 2 एन माइनस 2 के बराबर है, जी हाँ। तो यहां पे सिर्फ आप 2 से तो 3 जा सकते हो, और 3 क्योंकि लास्ट इंडेक्स है तो वहां पे कॉस्ट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसने 0 रिटर्न कर दिया, तो 2 से आगे जाने की कॉस्ट क्या हुई, 0 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ एच आई माइनस एच आई प्लस 1, ये वैल्यू हम लोग यहां पे रिटर्न कर देंगे राइट। तो मुझे 2 से एन तक जाने की कॉस्ट मिल गई है मिनिमम। अब अगली कॉल क्या है, मैं 3 से एन तक जाने की कॉस्ट ले आऊंगा। देखो 3 से एन तक जाने की कॉस्ट ला रहे हैं, 3 तो लास्ट इंडेक्स पे ही है तो 0 आ जाएगी। तो अब मेरे पास 2 से एन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट आ गई, 3 से एन तक जाने की मिनिमम कॉस्ट आ गई, तो 1 से एन जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है,
कि भाई मैं अगर वाया टू जाता तो क्या कॉस्ट आती, वाया थ्री जाता तो क्या कॉस्ट आती, वाया टू की कॉस्ट है ये, वाया थ्री की कॉस्ट है ये, दोनों का मिनिमम हम लोग रिटर्न कर देंगे, हमने रिटर्न कर दिया। और अब हमें टेक्निकली पता लग गया कि जीरो से अगर आप वन गए और फिर वन से एन गए तो मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है, ये पता लग गई। अब अगली कॉल क्या है कि यार अब जीरो से टू गए और फिर टू से एन गए तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो क्या टू एन माइनस वन है, जी नहीं, टू एन माइनस टू है, जी हाँ, ये सिंपल कॉल से रिटर्न हो जाएगा। सो टू से एन तक जाने की हमारे पास कॉस्ट आ गई है, तो अब हम वापस जीरो पे आ गए। अब हमारे पास टू से एन की कॉस्ट है, वन से एन की कॉस्ट है, ये कॉस्ट है हमारी जीरो से वन की, ये कॉस्ट है हमारी जीरो से टू की, दोनों का मिनिमम कैलकुलेट करके लाएंगे और प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारी रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करी, आप देख ही रहे हो कि हम लोग काफी टाइम से रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर्स बढ़िया लग रहे होंगे, रिकर्जन के कॉन्सेप्ट थोड़े खुल रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली अप्रोच कर रहा हूं। देखो ये सेम तरीके से मैं किसी भी कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम को, किसी भी इंटरव्यू की प्रॉब्लम को अप्रोच करता था, भले ही वो न्यू प्रॉब्लम हो, एंड हमेशा प्रॉब्लम क्रैक करना आसान हो जाता था। यही मैं नॉलेज आपको इम्पार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप रिकर्जन की हर प्रॉब्लम को एक नई प्रॉब्लम के तरीके से देखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। बट देखो आज हमने जो फ्रॉग वाली प्रॉब्लम करी, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फिबोनाची से रिलेट करने की कोशिश करी, राइट। इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, राइट। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे रिकर्जन पे। देखो मैं चाहता हूं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा पैटर्न देखें, एक अच्छी ग्रिप बना ले हम लोग रिकर्जन में, क्योंकि रिकर्जन के सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में यूज होने वाले हैं। रिकर्जन काफी सारे बच्चों को पढ़ना होता है, काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोग इस सीरीज को शेयर भी करो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी रिकर्जन को आसान तरीके से समझने का मौका मिले, राइट। मैं चाहता हूं कि पूरी कम्युनिटी साथ मिलके मचाए और रिकर्जन से किसी को भी डर ना लगे, इस चीज को हम लोग आगे लेकर जाना चाहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, काफी मजा आने वाला है। कुछ भी डाउट्स हैं आपके आज के इस लेक्चर के रिगार्डिंग, सो डू ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, अपने जो भी सजेशन हैं, डाउट्स हैं, उनको ड्रॉप करो, वी विल रियली ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग उनको एड्रेस करें, राइट। अगर वीडियो बढ़िया लगी, इस लेक्चर बढ़िया लगा, फ्रूटफुल लगा, अप्रोच समझ में आई, हो सकता है क्वेश्चन आपने पहले किया हो बट एक्सप्लेनेशन आपको काफी बढ़िया लगी, अप्रोच को देखने का तरीका अच्छा लगा, डू ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ PW Skills की वेबसाइट पे इस लेक्चर के नोट्स और असाइनमेंट्स को एक्सेस करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में काफी और मजा करेंगे, काफी सारी नई चीजें पढ़ेंगे, काफी नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मचा देंगे बिल्कुल, राइट। दैट बीइंग सेड, लेट जस्ट रैप दिस वीडियो हियर, लेट जस्ट रैप दिस लेक्चर हियर। हम लोग मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड थैंक यू।